सभी विद्यार्थियों, अब तक 1919 के अधिनियम के अंतर्गत तीन वार्ताओं में मैंने आपको उसके पारित होने के कारण, 1919 की अधिनियम की विशेषताएं, 1919 के अंतर्गत केंद्रीय शासन व्यवस्था पर बातचीत कर चुके हैं हम। आज एक और अन्य विषय 1919 के अधिनियम का अंतर्गत, वो है प्रांतों की शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन किस प्रकार का था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रांतीय शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इस पर कई प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, उसको आपको ध्यान रखना है, और मैं प्रश्न फॉर्मुलेट निर्मित करूंगा और उसके अनुरूप आपसे है वो बात करने की कोशिश करूंगा। यदि इसकी हम पहले प्रस्तावना देखें, 1919 के शासन अधिनियम के अनुसार प्रांतीय शासन की, तो प्रांत किसे कहते हैं आपको ध्यान है। प्रांत ही वो क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। लोकल्स, आप स्वतंत्रता के बाद आपको जानकारी है पंचायती राज की स्थापना की, तो 1958 में नागौर से उसके प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया और फिर पूरे देश में लागू किया। इसी तरह से भारत में स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना का श्री गणेश स्वाभाविक रूप से प्रांतों से किया जाना था। यदि वो सही सिद्ध होता तो फिर उसको केंद्र में भी लागू करता, तो इसलिए प्रयोग प्रांतों में प्रारंभ होने आवश्यक है। और इसी के अनुरूप प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की है वो स्थापना के रूप में ये स्थापित है, वो किया गया। अब पहला प्रश्न यदि इस पर हम बनाने की कोशिश करें प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रश्न ये हो सकता है कि सामान्यतः द्वैध शासन कहते किसे हैं और प्रांतों में वो किस रूप में लागू करने की 1919 के अधिनियम के अंतर्गत योजना थी। इसका अर्थ यह है कि प्रशासन की दृष्टि से विषयों और आय को दो मदों में विभाजित किया जाना था, केंद्रीय और प्रांतीय वर्गों में। अभी जो तीन प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसके विपरीत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसको दो भागों में बांटना था, एक केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। महत्वपूर्ण विषय थे वो केंद्र के पास थे, और जो सामान्य विषय थे जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे वो प्रांतों को दिए गए। और इन दोनों सूचियों से जो बचे हुए विषय थे, जिनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई थी। तो इस तरह से द्वैध शासन के अंतर्गत और प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सूचियों का, शक्तियों का दो भागों में विभाजन किया गया था, एक केंद्र के पास थी, एक राज्य के पास थी, और अवशिष्ट शक्तियां है वो गवर्नर जनरल के हाथ में है हुआ करती थी। अब ध्यान से सुने प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर प्रांतीय शासन में जो द्वैध शासन के उसका अर्थ सामने आएगा। प्रांतीय विषयों को के भी प्रशासन के संबंध में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई। मैंने प्रश्न किया था द्वैध शासन कहते किसे हैं, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारतीय जनता के अशिक्षित होने और निर्वाचकों के अनुभवहीन होने के कारण निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा, जिसको प्रांतीय व्यवस्थापिका कहते हैं, सभी विषयों के संबंध में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेगी। ये ब्रिटिशर्स का सोचना था कि क्योंकि अनुभवहीन है, अशिक्षित है, इसलिए सब शक्तियां, प्रांतीय व्यवस्थापिका सब प्रकार के काम नहीं कर सकती, इसलिए द्वैध शासन के रूप में प्रांतीय जनता को कुछ ही विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। ध्यान से समझे, सब विषय, प्रांतों के भी सब विषय उत्तरदायी शासन को प्रदान नहीं किए गए।
कारण जो आर्गुमेंट्स तो तर्क दिए गए कि भारतीय जनता अनुभवहीन है, अशिक्षित है, सब विषय उनको दे दिए तो ठीक प्रकार से वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए कुछ विषयों के संबंध में उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो स्थापित की गई है। ये व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों का विभाजन भी दो श्रेणियों में किया गया, एक थे रक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। पहले मैंने आपको दो सूचियां बताई, केंद्र सूची और राज्य सूची। अब राज्य सूची के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया, कुछ रक्षित विषय थे, कुछ हस्तांतरित विषय थे। इन विभागों में है, भिन्न भिन्न विभागों में कुछ विभाग रक्षित रखे, कुछ शक्तियां रक्षित रखी और कुछ हस्तांतरित रखी। तो दो श्रेणियों में विभाजन के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, इसको उत्तरदायी शासन कहा जाता है। जो रक्षित विषय थे, मैं थोड़े नाम पढ़ रहा हूं आपको कि कितने महत्वपूर्ण विषय थे, वो रक्षित थे, और जो सामान्य विषय थे या कम महत्वपूर्ण थे वो हस्तांतरित थे। जो रक्षित विषय थे, न्याय, पुलिस, जेल, भूमि तथा राजस्व कर, कृषि संबंधी ऋण, अकाल, अकाल पीड़ित सहायता, व्यावसायिक कारखाने, श्रमिक विवाद, जंगल, सिंचाई, नहर तथा जल विद्युत, ये सब शामिल थे रक्षित विषयों में महत्वपूर्ण। हस्तांतरित विषय थे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, शिक्षा दोनों प्रकार के, स्कूली और हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा, कृषि, सहकारी समिति, आबकारी, औद्योगिक विकास और चिकित्सा। तो इन विषयों के विभाजन से आपको ऐसा लगता होगा और वास्तविकता है कि इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण विषय थे वो रक्षित रखे गए, जो कम महत्वपूर्ण थे उनको हस्तांतरित किया गया। रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह, ध्यान से समझे, रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह ही सम्राट द्वारा नियुक्त शासकीय सलाहकार सदस्यों के अधीन उनके हाथ में ही था, और हस्तांतरित विषय है लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गए। इसको मैं थोड़ा क्लियर करूं, आपके जो रक्षित विषय थे उन पे जो मंत्री या विभाग का प्रमुख हुआ करता था वो गवर्नर जनरल, गवर्नर की काउंसिल का सदस्य हुआ करता था, जनप्रतिनिधि नहीं था। जो विषय हस्तांतरित थे वो उन मंत्रियों को सौंपे गए जो कि व्यवस्थापिका के सदस्य थे, और उनमें से उनको मंत्री के रूप में लिया गया था और उनको वो विभाग दिया गया है। तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, द्वैध शासन प्रणाली। थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक एलाबोरेट करूं मैं आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतीय जनता उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, कहा उत्तरदायी शासन स्थापित करो, और 20 अगस्त 1917 की घोषणा में, जिसकी चर्चा हमने की थी, धीरे धीरे भारतीयों को उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात है वो कही गई थी। इसी के अनुरूप है ये उत्तरदायी शासन आंशिक प्रदान करने के लिए द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो आपको द्वैध शासन का शायद अर्थ समझ में आ गया होगा कि पूरी शासन व्यवस्था प्रांतों की दो भागों में विभाजित थी। कुछ विषय थे वो गवर्नर जनरल, गवर्नर के सभासद के जो सदस्य थे उनके हाथ में थे, कुछ विषय थे वो व्यवस्थापिका में चुने गए उनमें से नियुक्त मंत्रियों के हाथ में थे, वो उनको देखते थे। तो ये दो होने के कारण, डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स शासन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है। अब दूसरा यदि प्रश्न इस पे जो पूछा जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों, कि इसका उद्देश्य क्या थे, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन है वो किस प्रकार के है। तो इसकी यदि हम उद्देश्य देखें तो कुछ विषयों में भारतीयों को उत्तरदायित्व शासन है वो सौंपा गया। मैंने अभी आपको शाब्दिक अर्थ बताया था, दोहरा शासन है वो स्थापित किया गया, और इसी के अनुरूप इसका क्रियान्वयन है वो प्रांतों में हुआ। उद्देश्य दोहरा शासन की स्थापना करना और इसका क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से हुआ,
1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों, नाम बता रहा हूं मैं आपको, बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन को लागू किया गया। कब? 1 अप्रैल 1921 को, सब प्रांतों में नहीं। थोड़े समय के बाद बचे हुए प्रांतों में भी 1932 से दूसरे प्रांतों में लागू किया गया, वो था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ये प्रयोग किया गया, पर विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत लोग विरोध कर रहे थे और इस शासन द्वैत शासन को है वो वांछित सफलता नहीं मिली। कारण, गवर्नर वो उत्तरदायी मंत्रियों के बीच में निरंतर विरोध की स्थिति रहती थी, तो जन प्रतिनिधि मंत्री थे जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे उनमें तथा गवर्नर में विरोध होता रहता था। इसी का परिणाम था कि ये शासन है व्यवस्था को रिपीट नहीं किया गया और भारतीय शासन अधिनियम 1935 था वो प्रांतों में इस द्वैत शासन को है वो समाप्त कर दिया गया, अलबत्ता केंद्र में इसको लागू करने की कोशिश की गई। तो ये इस उद्देश्य इसका क्रियान्वयन। तीसरा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि द्वैत शासन की असफलता के क्या कारण थे, क्यों द्वैत शासन है वो फेल हो गया कि उसको लंबे समय तक 1921 से तो शुरू किया और 1935 में ये प्रयोग है वो बंद कर दिया गया। तो इसकी असफलता के कई कारण थे, यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैत शासन की असफलता का पूरा उत्तरदायित्व कांग्रेस तथा उसके ही एक अंग था दूसरा दल स्वराज्य दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज्य दल की अड़ंगा नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया जिससे ही ये प्रयोग है वो असफल रहा, ये कारण बताया। तो कूपलैंड महाशय क्या कहते हैं, कांग्रेस की और स्वराज्य दल की अड़ंगा डालने की नीति थी, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बात बात पर विरोध कर रहे थे, इसलिए ये शासन असफल रहा। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, वास्तविकता यह है कि ये योजना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी और असफलता के लिए प्रमुख रूप से योजना स्वयं में अंतर्निहित दोष थे और वही फेल्योर के उत्तरदायी कारण थे। असफलता के कारणों को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। पहला, योजना में अंतर्निहित दोष, योजना खुद डिफेक्टिव थी थ्योरेटिकली, और दूसरा है अन्य बाहरी परिस्थितियां, अर्थात योजना के कारण नहीं बाहरी परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि जिसके कारण है योजना असफल हो गई। पहले हम योजना में अंतर्निहित दोषों के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहला दोष है यह सैद्धांतिक रूप से दोषपूर्ण था। एक ही प्रांत में दो भिन्न भिन्न शासन प्रकृति थी, ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं थी, आंगिक एकता नहीं थी, एक उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में शासन व्यवस्था थी और दूसरे नामजद मंत्रियों के हाथ में थी। तो जब एकता नहीं है, जैविक एकता नहीं है, तो सहयोग नहीं होता है, तारतम्य का अभाव रहता है, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं और फेल्योर होना, असफल होना स्वाभाविक होता है। तो एक ही प्रांत में दो प्रकृति की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, ये सैद्धांतिक दोष था। दूसरा था विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि कुछ रक्षित विषय थे, कुछ हस्तांतरित विषय। अब यदि हम प्रश्न पूछें कि इन विषयों के विभाजन का आधार क्या था, तो आधार अतार्किक और अव्यवहारिक था। हस्तांतरिक विषयों पर किसी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं था, उसके और कई हस्तक्षेप करते थे, गृह मंत्रालय करता था, वित्त मंत्रालय करता था, जो गवर्नर की पार्षद के जो मंत्री थे वो हस्तक्षेप करते थे, आपको विभाग दे दिया पर विभाग के सर्वे सर्वा है वो आप नहीं है। तो विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन था। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है फेल होने का, वो थी गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, डिस्क्रिशनरी पावर।
इस स्वेच्छाचारी शक्तियों के नाम पे जब चाहे वो है वो हस्तक्षेप कर सकता था हस्तांतरिक विषयों में। हालांकि मंत्री व्यवस्थापिका में से लिए जाते थे, पर गवर्नर केवल वैधानिक प्रधान ही नहीं था जैसे आजकल राज्यपाल हुआ करता है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में वो इन शक्तियों में भी अत्यधिक हस्तक्षेप है वो कर सकता है, तो वो अपने विभाग के सर्वेसर्वा नहीं थे। चौथा कारण है हस्तांतरिक क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं थी, डिपेंड रहना पड़ता था उनको। पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था किसी विभाग में नहीं थी, वित्त एक रक्षित विषय था और उसका इंचार्ज गवर्नर के नॉमिनेट किया हुआ मंत्री था। रक्षित विषय होने के कारण आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोभनीय थी, वो अशोचनीय थी, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे कि कोई योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन जब उनके हाथ में नहीं था, डिपेंड रहना पड़ता था, तो वो अपनी योजना को है वो लागू नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्रियों के सेवाओं पर नियंत्रण नहीं था। सफलता के लिए आवश्यक था कि स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्रियों के अधीन हो, पर उनके जो सेक्रेटरीज थे वो उनके अधीन नहीं थे, वो ब्रिटिश गवर्नर की आज्ञा को ज़्यादा मानते थे इन मंत्रियों की वनिस्पत। अधिकांश जो उनके सचिव थे वो ICS इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे और उन पर पूरी तरह से है वो गवर्नर का नियंत्रण था, इन मंत्रियों का नियंत्रण नहीं था। एक किसी भी मंत्री परिषद की और संसदीय शासन की एक महत्वपूर्ण तत्व होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की शासन व्यवस्थाओं में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया था, उसका अभाव था। मंत्री एक दल के नहीं थे, विरोधी दल के सदस्यों को भी मंत्री बना दिया जाता था। तीन मंत्री मान लो कांग्रेस से आगे, दो मंत्री स्वराज्य दल से आगे, दो मंत्री मुस्लिम लीग से आगे, तो हारमोनी नहीं थी और न वो सामूहिक रूप से है वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, ये बहुत बड़ा कारण था। फिर विधान परिषदों का दोषपूर्ण गठन, जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाएँ थी उनका गठन भी दोषपूर्ण था, संगठित दलों की स्थापना नहीं थी, ज़्यादा नामजद या मनोनीत सदस्य हुआ करते थे इन व्यवस्थापिकाओं में, जो पूरी तरह से है वो गवर्नर पर निर्भर रहते थे। तो ये 1919 के एक्ट के अंतर्गत अंतर्निहित कमियां थी जिसके कारण कि 1919 का अधिनियम है वो फेल हो गया। अब हम अन्य बाहरी परिस्थितियां देखें जो एक्ट में बातें नहीं थी पर सामान्य परिस्थितियां देश की इस प्रकार की थी कि ये सही ढंग से लागू नहीं हो सकता था। द्वैध शासन के लागू करने मतलब 1921 के आसपास लागू करने के समय प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण था भारत में। आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत आंदोलन और उसको दबाने के लिए कठोर दमनात्मक कानून बने थे, ब्रिटेन के प्रति भारतीय संदेह की दृष्टि से देखते थे इसलिए अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई भारतीयों के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच। बहुत बड़ा कांड था जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन भी बहुत बड़ा था टर्की को लेकर के जो हुआ था, तो आपस में जब वैमनस्य है, आपस में जब तनाव है, आपस में सहयोग नहीं है, तो किसी नए कानून की है वो सफल होना संदिग्ध रहता है। दूसरा कारण है प्रांतों की आर्थिक कठिनाइयां, वो दुर्दशा, ऐसी आर्थिक हालात थी देश की, बाजारों में मंदी थी, वर्षा नहीं होने के कारण प्रांतों में काल की हालत थी और केंद्र की तरफ से अनुदान की मांग की जा रही थी जो वो समय पर है वो नहीं देते थे। तीसरा कारण है कांग्रेस और लीग का असहयोग, लीग मीन्स मुस्लिम लीग, इनकी दृष्टि प्रशासकीय सुधारों पर नहीं थी, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इसकी बात है वो अधिक करते थे, छोटे छोटे सुधारों से ये संतुष्ट नहीं थे।
फिर नौकरशाही का दृष्टिकोण, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईसीएस अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं किसी विभाग के, उनका सुधारों के प्रति उचित भावना नहीं थी। वो लोकप्रिय मंत्रियों के प्रति वफादार नहीं थे, जैसा मैंने पहले बताया आपको प्रिय विद्यार्थियों, वो ब्रिटिश गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण, पहले फेवर में थी फिर अगेंस्ट में, इसलिए इसको मैंने परिवर्तित दृष्टिकोण कहा है। पहले मॉन्टेक्यू भारत मंत्री थे, मैंने संदर्भ दिया था आपको, उनका दृष्टिकोण भारत के प्रति सामान्यतः ठीक था, उदार था। लेकिन ब्रिटेन में अब सरकार बदल गई, अनुदार दल की सरकार आ गई, मंत्री दूसरे बन गए, जिनकी इन सुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण सत्ता परिवर्तन होने के कारण बदल गया। फिर आपसी विश्वास या सहयोग का अभाव, कोई नीति, कोई कार्यक्रम, कोई कानून, बहुत कुछ विश्वास पर भी आधारित होता है, पर इनमें आपसी विश्वास या सहयोग का अभाव था। विधान परिषद के सदस्यों तथा मंत्रियों के प्रति है वो आपसी सहयोग नहीं था। तो ये कुछ कारण रहे हैं जिससे कि 1919 का अधिनियम है फेल हो गया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, मैंने पहले भी आपको कहा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें इस बात को कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के असफल होने के कारण क्या रहे हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारण थे जिनके कारण कि 1919 के अधिनियम का द्वैध शासन असफल हुआ और 1935 के अधिनियम से इसको पूरी तरह से प्रांतों में समाप्त कर दिया। ये बात कहने के बाद आप ऐसा भी नहीं समझे प्रिय विद्यार्थियों कि इसका कोई उपयोग नहीं था, इसका कोई महत्व नहीं था। ये लागू रहा लंबे समय तक, प्रांतों में चुनाव हुए, उत्तरदायी मंत्री बने, तो इसकी अपने आप में भारत के संवैधानिक इतिहास में इसकी उपयोगिता और महत्व है। तो थोड़ी सी बात में कभी कभी छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की उपयोगिता और महत्व क्या थे, जब फेल हो गया तो क्या उपयोगिता थे, कुछ दिया है इसने या उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, तो इस पर मैं बात करूँगा आपसे। ये भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रहा, मैंने अभी बताया आपको, एक माइलस्टोन है। यदि हम भारतीय संविधानिक इतिहास पढ़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है 1919 का अधिनियम भी अन्य अधिनियमों के साथ साथ, और भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, हालांकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं, पर बढ़ाया गया बहुत बड़ा, जिसे भारतीयों में है वो राजनीतिक जागरूकता ही, राजनीति प्रति उनकी रुचि जागृत हुई, नियमित चुनाव हुए, जिसे सार्वजनिक जीवन के प्रति है भारतीयों को रुचि जागृत हुई, महिलाओं को भी सीमित मताधिकार दिया गया, सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण हुआ, कई ऐसी सार्वजनिक जो पहले वेस्टर्नाइज थी, ब्रिटिश की पद्धति की तरह थी, उनको भारतीय पद्धति की तरह लागू करने की है वो कोशिश की गई, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियां दूर करने की दिशा में है ये अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारवान है। तो इसलिए भारत के संवैधानिक इतिहास में, जो कि 1861 से शुरू हुआ, 1892, 1919, 1935, उत्तरदायी शासन की दिशा में ये अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और द्वैध शासन के मामले में आंशिक ही सही, पर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जो अल्टीमेटली अंततः भारतीय स्वतंत्रता के रूप में हमको सामने दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर द्वैध 1919 के अधिनियम की बात आएगी तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात आएगी, डाई आर की, दो तरह का शासन, रक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, कुछ मंत्री ऐसे थे जो व्यवस्थापिका में से लिए जाते थे, कुछ मंत्री ऐसे थे जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट थे, कुछ विषय ऐसे थे जो रक्षित थे, कुछ विषय ऐसे थे जो हस्तांतरित थे, इन दोहरे मापदंड के कारण ही इसको द्वैध शासन है वो कहा जाता है। मैं समझता हूँ आज आपको मैं द्वैध शासन के अर्थ,
1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन, इसके असफल होने के कारण, असफल होते हुए भी इसकी उपयोगिता और महत्व संवैधानिक इतिहास में क्या है, इसके बारे में बात करने की चेष्टा की। ये वार्ता, एक संक्षिप्त वार्ता से आपका ज्ञान पूर्ण हो गया ऐसा मैं नहीं कहता और हो भी नहीं सकता। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सलाह दूंगा कि अन्य पुस्तकें, अन्य साहित्य, संवैधानिक इतिहास, उसके बारे में बहुत सारे वॉल्यूम उपलब्ध है, उनको आप पढ़ के अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और ये थोड़ा बहुत यदि आपको इंडिकेशन मिला है इसके बारे में तो आप उसको विस्तृत कर देंगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा। मैं आपके सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।